अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M3 भवाल। तो आज देखते हैं देवनार बकरा मंडी में क्या देखने मिलता है हम लोगों को। तो गाइस, जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे आए थे, और आगे भी पूरी वीडियो देखना आपको अच्छे अच्छे बकरे देखने को मिलेंगे। पहले लोग इंटरव्यू देने के लिए आगे आते थे, अभी इंटरव्यू देने से वो पीछे हट रहे। शायद COVID-19 की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कोई सामने आके इंटरव्यू नहीं दे रहा है और ना नंबर दे रहा है। और ये ज़्यादातर जो बकरे आप लोग देख रहे हो, ये बकरों के व्यापारी जो होते हैं, ये लोग नंबर देके भी मतलब नहीं है, कुछ एक दिन ही रहते हैं वहाँ पर। और जो मंडी वाले होते हैं, जैसे लखपति चाचा वगैरह, बशीर भाई, मुस्किन भाई तो अभी नहीं वहाँ पर लगाते शायद से मंडी, तो ये लोग के हम लोग आपको नंबर दे सकते थे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते थे। उनकी मंडी होती है वहाँ पर और बकरे वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, मगर ये जो बंधे हुए बकरे हैं ये सब एक एक दिन में चले जाते हैं, तो इनका इंटरव्यू लेके कुछ मतलब भी नहीं है। सिर्फ आपको शौक कराने के लिए जैसे वीडियो बनाया जाता है कि भाई बकरे अच्छे से अच्छे बकरे वहाँ पर आते हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग, खस्सी बकरे हैं दो, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, दो दो दांत पर। और कारोली कोटा का तो पूरा जंगल आया था, ऐसा लग रहा था सिर्फ कारोली कारोली ही दिख रहे थे दूर दूर तक, काफ़ी बड़े बड़े कोटा थे और अच्छे प्राइस में भी थे। तो अभी जो भाई नियाज के लिए या हकीकी के लिए लेना चाहता हो, देवनार विज़िट करो, इंशाल्लाह उनको प्राइस में मिल जाएगा। अगर पालने के लिए लेना है तो बहुत ध्यान से लीजिए, क्योंकि वैक्सीन किए हुए बकरे नहीं होते वहाँ पर। पूरा कारोली कोटा का आपको पूरा जंगल नज़र आ रहा होगा, पूरा के पूरे कारोली बकरे ही थे आज मंडी में। अब ये जो बच्चा देख रहे हो, इसके कान की लंबाई देखो आप, काफ़ी अच्छे कान थे इसके। ये कश्मीरी बकरे थे, इनके बाल काटे हुए थे। और ये बच्चा देख रहे हो, ये कोटा में था, अच्छे पफ में, अच्छे बाल में, वाइट सिंग में था, रेड स्किन में, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे आज देखने को मिले हम लोगों को। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, जैसे कश्मीरी बकरा बोलेंगे या फिर कच्छ के बकरे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा मैंने इसलिए वीडियो निकाला इसका। अब ये जो बाड़ा देख रहे हो आप, बशीर भाई का बाड़ा है, और काफ़ी अच्छे बड़े बकरे इसमें हैं। आप लोग बशीर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़े बड़े बकरे हैं। कोठा देखो, पूरा ब्लैक कोठा है, अच्छे सींग में, अच्छे रुबाबदार बकरा है ये, इसमें काफ़ी एग्रेसिव बकरे भी थे, आपको वीडियो में दिखेंगे। एक इसमें सूजत था जो 110 केजी तक होगा लगभग, ये सूजत आप लोग देख रहे हो, इसकी हाइट होगी 42, माशाल्लाह काफ़ी हाइट लेंथ का बकरा था, और काफ़ी रुबाबदार भी है। तो आप लोग बशीर भाई से कांटेक्ट करो, जिस भाई को भी पसंद आए, इसकी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।